जनपद संभल के एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने होली पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल के साथ चंदौसी की सड़कों पर पैदल रूट मार्च कर जनता जनार्दन से होली उत्सव पर्व पर कोरोना से बचाव करते हुए भीड़ भाड़ व हुड़दंग से बचते हुए त्यौहार की खुशियां बांटने का संदेश दिया। इसी कड़ी में चंदौसी कचहरी परिसर में भी पहुंचकर एएसपी संभल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उचित दिशा निर्देश जारी किए। आज चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में रूट मार्च फ्लैग मार्च किया गया है। आने वाले त्यौहार होली और सभी बारात को दृष्टिगत रखते हुए लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए ये फ्लैग मार्च और रूट मार्च किया गया है। जैसे कि आगामी त्यौहार आ रहे हैं तो उस पर पुलिस प्रशासन की क्या निगाहें? पूरी ड्यूटियाँ रहेंगी सेक्टर वाइज जोन वाइज जुलूस पे बॉक्स फॉर्मेशन में ये सारी ड्यूटियाँ जैसे रहती है वो रहेंगी, जिससे कहीं कोई समस्या ना हो, लोग शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मना पाए। अच्छा सर, जैसे कोरोना का प्रसार रहा है और इतना बड़ा त्यौहार भी है, इसका क्या प्रिकॉशन रखा? लोगों से यही अपील है कि वो कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, उसको ध्यान में रख के ही त्यौहार मनाएं। अच्छा, एक धारा 144 भी लागू है और त्यौहार पर शोर शराबा और मतलब भीड़ भाड़ होती है, उसको कैसे कंट्रोल करने का क्या विचार है, क्या रूपरेखा है, क्या दिशा? उसको जो परंपरागत चीज़ें हैं उसको जैसे कंट्रोल किया जाता है उसी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, लोगों से अपील की जाएगी जो ड्यूटियाँ।